तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आदित्य और वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि है व्हाट इफ गोकू वाज बोर्न एज अ डिस्ट्रॉयर। दोस्तों, आज हम लोग इसका पार्ट 6 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इसका प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप लोग इसका प्रीवियस पार्ट देखें, तभी जाके दोस्तों आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगी। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। दोस्तों, अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे गोकू वेजिटा प्लैनेट यार्डेट से धरती पे आते हैं वापस से, और उसके बाद कैसे एंड्रॉइड्स आते हैं जी वॉरियर से लड़ने के लिए, पर वेजिटा ही होता है जो सेल को हरा देता है। उसके बाद जब सेल अपने आप को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है तब गोकू उसे हक्काई करके पूरी तरह से एग्जिस्टेंस ही ख़त्म कर देता है और वो खुद को डिस्ट्रॉय ही नहीं कर पाता है। उसके बाद दोस्तों, इस हक्काई की वजह से लॉर्ड बीरस वापस से जाग चुके हैं नींद से, और वो पूछते हैं कि गोकू कहाँ है। तभी वीस उसे बताता है कि गोकू अभी धरती पे है, और गोकू और पटाटा दोनों ने ही शादी कर ली है और दोनों के ही अब एक एक बच्चे हैं। और ये सुन के बीरस बहुत ही खुश होता है, पर उसके बाद वो वीस से पूछता है कि क्या गोकू अब और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तो वीस बोलता है कि हाँ माई लॉर्ड, इस टाइम पर गोकू आपसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और अगर आप उससे फाइट करेंगे तो वो आपको बहुत ही आसानी से हरा देगा। उसके बाद वीरस ये तय करता है कि वो 7 साल के लिए वीस के साथ ट्रेनिंग करेगा, और उसके बाद वो सीधे गोकू से लड़ने जाएगा, और अगर गोकू उसे हरा देगा तो वो अपनी डिस्ट्रॉयर का उपाधि गोकू को दे देगा। तो दोस्तों, इसके बाद गोकू एक बार वीस से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि अभी इस यूनिवर्स में और भी सैयंस है कि नहीं। जैसे कि कुछ सैयंस बच चुके हैं, जैसे में वेजिटा, रेडेट्स और नापा बचे थे, उसी तरह से वो वीस से पूछने आता है। तो वीस उसे बताता है कि हाँ गोकू, इस यूनिवर्स में भी 2 सैयंस और हैं, जिनमें से एक ब्रोली है और दूसरा उसका फादर पैरागस है। तो गोकू पूछता है कि वो दोनों कहाँ पर हैं। तो वीस उसे बताता है कि वो अभी प्लैनेट वांपा पे हैं, और उन दोनों की ही हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वहाँ पे कोई लाइफ फोर्स है ही नहीं। उसके बाद गोकू उन दोनों को रेस्क्यू करने का सोचता है और उन दोनों के लिए लेने के लिए जाता है, पर जैसे ही गोकू वहाँ पे पहुँचता है तो पैरागस और ब्रोली उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो गोकू उसे बताता है कि मैं भी एक सैयन हूँ, और मैं यहाँ पर आप दोनों को बचाने के लिए आया हूँ। और ये सुन के दोस्तों पैरागस और ब्रोली बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद दोस्तों गोकू ब्रोली और पैरागस को लेकर सीधे अर्थ पर चला था। दोस्तों, इस टाइम पे जब गोकू प्लैनेट वीरस पे गया था तो वीस ने ये बात गोकू को नहीं बताया है कि लॉर्ड वीरस अभी अपनी नींद से जाग चुके हैं और वो ट्रेनिंग कर रहा है उसके साथ। उसने ये इसलिए नहीं बताया है क्योंकि लॉर्ड वीरस ने उसे कहा था कि ये बात उसे न बताए, क्योंकि वो सीधे एक बार में ही गोकू का टेस्ट लेना चाहते हैं, और अगर गोकू उसे हरा देगा तो वो इस यूनिवर्स का सीधा डिस्ट्रॉयर बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही गोकू ब्रोली को लेकर धरती पर जाता है पैरागस के साथ, तो पैरागस वेजिटा को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वेजिटा के ही फादर के वजह से वो दोनों बहुत ही प्रॉब्लम में जी रहे थे प्लैनेट वांपा पे। उसके बाद दोस्तों पैरागस सीधे ब्रोली को बोलता है कि वो वेजिटा को ख़त्म कर दे, क्योंकि उसके ही वजह से वो लोग उस प्रॉब्लम में थे। और उसके बाद दोस्तों ब्रोली बिना कुछ सोचे समझे सीधे वेजिटा पर अटैक करने लगता है, जहाँ पर शुरुआत में तो वेजिटा उसे बहुत ही आसानी से डॉच कर रहा होता है, पर धीरे धीरे वेजिटा को अपने सुपर सैन के पावर में जाना पड़ता है ताकि वो ब्रोली को रोक सके। पर दोस्तों, जैसा कि आप लोग और हम लोग सब जानते हैं कि ब्रोली एक लेजेंडरी सुपर सैन है, तो वो वेजिटा को बहुत ही आसानी से ओवर पावर करने लगता है, और देखते ही देखते वो वेजिटा के गॉड फॉर्म को भी राइवल करने लगता है थोड़ी ही देर में। उसके बाद दोस्तों वेजिटा अपने सुपर सैन ब्लू में चला जाता है और ब्रोली से लड़ने लगता है, और थोड़ी देर में ब्रोली उस फॉर्म को भी डोमिनेट करने लगता है। और ये देख के रेडिट्स, वेजिटा, बाकी सारे जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि कोई भी सैयन बिना किसी ट्रेनिंग को किए हुए इतनी आसानी से वेजिटा को सुपर सैन ब्लू में नहीं हरा सकता है। पर ये तो एक फैक्ट है कि ब्रोली लेजेंडरी सुपर सैयन है, तो वो बहुत ही आसानी से सुपर सैन ब्लू तक को राइवल कर सकता है बिना किसी को ट्रेनिंग किए हुए में। उसके बाद दोस्तों, जब ब्रोली वेजिटा पे बहुत ज़्यादा हावी होने लगता है तो रेडिट्स वेजिटा का हेल्प करने जाता है और वो ब्रोली से लड़ने लगता है। और उसके बाद दोस्तों ये देख के गोकू को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसने अभी ब्रोली और पैरागस को बचाया है, और ब्रोली उल्टा उसके ही भाई के साथ लड़ने लगता है। तो वो पैरागस को बोलता है कि अपने बेटे को शांत करो, वरना मैं उसे हरा दूंगा और उसे मार भी दूंगा। ये सुन के पैरागस अपने बेटे के लिए डर जाता है और अपने बेटे को रोकने जाता है, पर दोस्तों ब्रोली गुस्से में अपने ही फादर पे एक की अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों ब्रोली बिना कुछ सोचे समझे अपने गुस्से को बेकाबू करते हुए उन दोनों पे बहुत ज़्यादा अटैक करने लगता है। उसके बाद दोस्तों गोकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो सीधे एक कामे हमें वेव का इस्तेमाल करते हुए
ब्रोली पे अटैक कर देता है, जिसके वजह से ब्रोली बहुत दूर जाके गिरता है और सीधे बेहोश हो जाता है। और दोस्तों उसके बाद जैसे ही ब्रोली होश में आता है तो वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसे भी पता है कि वो बेकाबू होने के बाद किसी की भी नहीं सुनता है। पर गोकू उसे माफ़ कर देता है क्योंकि वो भी जान पाता है कि ब्रोली अपने गुस्से को काबू नहीं करता है। तो वो ब्रोली से बोलता है कि मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूँगा और तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सिखाऊंगा और अपने विजर्कर फॉर्म पर भी कंट्रोल करना सिखाऊंगा। और ये सुन के ब्रोली बहुत ज़्यादा खुश होता है। और उसके बाद वो अपने फादर से मिलने जाता है और अपने फादर से सॉरी बोलता है, क्योंकि उसने गुस्से में अपने फादर पे भी अटैक कर दिया होता है। और उसके बाद दोस्तों उसके फादर भी उसे माफ़ कर देते हैं। फिर उसके बाद पेरगस भी वेजिटा से सॉरी बोलता है और वो बोलता है कि इसमें जो भी हमारे साथ हुआ था उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो मुझे माफ़ कर दो। और वेजिटा भी उसे माफ़ कर देता है। उसके बाद दोस्तों 7 साल का टाइम बीत जाता है, जहाँ पर जितने भी सैयंस हैं उन्होंने सुपर सेंट ब्लू एवोल्यूशन तक को मास्टर कर लिया होता है। और जो वेजिटा होता है उसने स्पेशली डिस्ट्रक्शन के भी कुछ पावर को भी यूज करना सीख लिया होता है, क्योंकि वो गोकू और पटाटा से कंटिन्यू ट्रेनिंग करता है। और एरिस्ट जो होता है उसने सुपर सेंट 4 को भी पाल लिया होता है और सुपर सेंट ब्लू में सुपर सेंट 4 को मिलाना सीख चुका होता है। हाँ दोस्तों, सुपर सेंट ब्लू को सुपर सेंट 4 में मिलाना सीखा, क्योंकि वो कंटिन्यू पटाटा के साथ ट्रेनिंग करते रहता है, क्योंकि पटाटा उसकी वाइफ है तो वो उस पर ज़्यादा स्पेशली ध्यान देती है। दोस्तों इस टाइम भी जो इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर मॉडल्स है वो गोकू और पटाटा ही हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इन सबसे बहुत ज़्यादा अलग लेवल की हुई थी बीस के साथ। और उसके बाद दोस्तों गोहान अचानक से ही एक दिन आता है और बाकी सारे जी वॉरियर्स को बोलता है कि वो एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला है, जहाँ पर वो बहुत सारे धरती के स्ट्रांगेस्ट फाइटर से लड़ेगा। पर वो जानता है कि वो अभी सबसे ज़्यादा ताकतवर है धरती पे उन सभी लोगों से, तो वो बहुत ही आसानी से जीत जाएगा। पर तभी वेजिटा और गोकू बोलते हैं कि तुम अगर हिस्सा ले रहे हो तो हम लोग भी हिस्सा लेंगे और देखेंगे कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट मॉर्टल कौन है धरती पर। तभी ये बात सुन के रेडिट्स और पटाटा बोल देते हैं कि इस टाइम पे तुमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है कैकरोट। तभी वेजिटा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कैकरोट को आखिरकार हरा दूंगा इस बार। तो उसके बाद सभी लोग इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए चले जाते हैं। पर दोस्तों जैसा कि एज यूजुअल होता है, बच्चों की पहले फाइट होती है, जहाँ पर इस यूनिवर्स में जो बच्चा जीतता है वो गोटेन होता है। दोस्तों गोटेन इस यूनिवर्स में इसलिए जीत जाता है क्योंकि दोस्तों गोटेन एक फुल सैयन होता है और साथ साथ उसके जो फादर और मदर दोनों ही सुपर सेम गॉड की पावर को रखते हैं और गोकू तो एक डिस्ट्रॉयर भी है, तो इस वजह से गोटेन बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है शुरुआत से ही। और क्योंकि उसे चीची ने भी ट्रेन किया है शुरू से ही, तो इसी वजह से गोटेन ट्रंक्स और बाडक दोनों से ही जीत जाता है। तो चाइल्ड में जो टूर्नामेंट का विनर होता है वो गोटेन ही होता है। उसका दोस्तों जैसे ही बड़े लोगों का फाइट शुरू होता है तो गोकू और वेजिटा की जैसे ही बारी आती है आपस में लड़ने के लिए, तभी वहाँ पे सुप्रीम काई आते हैं और वो गोकू के सामने बाउ डाउ करता है, मेरा मतलब कि घुटने टेकते हुए गोकू के सामने रिस्पेक्ट दिखाता है और बोलता है कि हमें आपकी हेल्प चाहिए। इस टाइम इस समय धरती पे एक ईवेल विजर्ड है जो कि बाबडी है और वो माजिन बू को रिलीज करने जा रहा है। अगर उसने माजिन बू को रिलीज कर दिया तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा, वो धरती के साथ साथ और भी बहुत सारे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा उसकी, तो हमें आपकी हेल्प चाहिए। तो गोकू बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी हेल्प करने चलूँगा सुप्रीम का है। और उसके बाद दोस्तों बाकी सारे जी वॉरियर्स चले जाते हैं गोकू के साथ बावड़ी को हराने के लिए। और दोस्तों जैसे ही बावड़ी को पता चलता है कि बहुत सारे लोग उससे आ रहे हैं हराने के लिए, तो बावड़ी अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है दूसरों को अपने काबू में लाने के लिए। पर दोस्तों इस टाइम पे बावड़ी किसी के भी ऊपर अपना इविल मैजिक नहीं कर पाता। दोस्तों इसका कारण ये है क्योंकि सभी के सभी जी वॉरियर्स के पास लगभग गॉड की होती है, मतलब सैयंस के पास गॉड की होती है, और जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं जैसे में क्रिलिन, यामचा और टीएन, वो सब पहले से ही प्योर हार्टेड होते हैं। इसके वजह से वो किसी पे भी अपना इविल मैजिक यूज नहीं कर पाता। पर दोस्तों ये वेजिटा और रेड्स को पता चल जाता है कि उन पर कोई काबू करने की कोशिश कर रहा था, तो वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और बावड़ी को मारने के लिए सीधा चले जाते हैं। पर दोस्तों जैसा कि ओरिजिनल सीरीज में कैसे न कैसे करके माजिन वो आखिरकार अपने सेल्स से रिलीज हो जाता है, वो इस यूनिवर्स में भी हो जाता है। पर दोस्तों माजिन बू को देख के सभी लोग समझ जाते हैं कि उतना भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है, तो इसे शायद बच्चे भी हरा सकेंगे। तो वो सबसे पहले गोटेन ट्रंक्स और बार्डोक को ही चांस देते हैं कि वो माजिन बू को हराने जाए। पर दोस्तों माजिन बू कैसा भी हो पर वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चलाक होता है लड़ाई के मामले में। तो जैसे ही गोटेन ट्रंक्स और बार्डोक उस पर हमला करते हैं
तो शुरुआत में तो वो तीनों उसे मिल के हरा रहे होते हैं, पर मार्जिन वो अपने कुछ टुकड़ों को ज़मीन पे फेंक देता है ताकि वो उन तीनों को अपने अंदर डाल सके और उनके ताकत को यूज कर सके। और दोस्तों धीरे धीरे देखते देखते ऐसा ही होता है और मार्जिन वो उन तीनों को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये देख के दोस्तों गोहान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सीधे मार्जिन वो पर अटैक करने चला जाता है। पर दोस्तों इस टाइम पे मार्जिन वो का बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है और उसका दिमाग भी बहुत पहले से ज़्यादा तेज हो चुका होता है। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही गोहान उस पर अटैक करता है तो वो कैसे न कैसे करके गोहान को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये देख के सारे जीव वॉरियर्स बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि अब उनके अंदर गोहान भी है और गोहान की वजह से मार्जिन वो अब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, वो बुहान के फॉर्म में जा चुका होता है। और ये देख के रेडिट्स और पिकलो से भी बर्दाश्त नहीं होता है और ब्रोली वो तीनों मिल के ही उस पर अटैक करने लगते हैं। और ये तीनों मिल के मार्जिन बू को बहुत ही आसानी से हरा रहे होते हैं। पर दोस्तों जैसा कि मार्जिन बू ने जो ट्रिक गोटेन और गोहान पे किया था वही ट्रिक वो सेम रेडिट्स और पिकलो पे भी करने में कामयाब हो जाता है। और उन दोनों को जैसे ही वो एब्जॉर्व करता है वो ब्रोली को भी ओवर पावर करने लगता है और वो डायरेक्ट ही ब्रोली को एब्जॉर्व कर लेता है। दोस्तों इस टाइम पे जो भी सबसे ताकतवर लोग बचे हैं वो गोकू, वेजिटा और पटाटा ही होती है। और ये तीनों देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि जो मार्जिन वो अभी कुछ समय पहले इतना ज़्यादा कमज़ोर था अब वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और अब हमें उसे हराने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करना ही होगा बहुत हद तक। और उसके बाद दोस्तों वेजिटा गोकू से बोलता है कि अब इसे मैं ही हराने जाऊँगा और इसे भी मैं ही हराऊँगा। तभी गोकू से बोलता है कि नहीं वेजिटा, अब ये तुम्हारी फाइट नहीं रह गई है, अब ये मेरी फाइट है और मुझे जाने दो इसे लड़ने के लिए। अभी पटाटा गोकू को बोलती है कि गोकू तुम अपने हक्काई का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इसके अंदर हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। तभी गोकू बोलता है कि अच्छा हुआ पटाटा तुमने मुझे बता दिया, पर मैं इस पर अभी हक्काई का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं जो इस पर अपने टेक्निक का यूज करने वाला हूँ वो है स्पिरिट विजन, ताकि मैं इसके अंदर से अपने सारे दोस्तों को निकाल सकूँ। पर दोस्तों ये बात मार्जिन बू भी सुन लेता है और क्योंकि उसके अंदर अभी इस समय बहुत सारे लोग हैं तो उसका दिमाग भी बहुत ज़्यादा तेज होता है और वो कैसे ना कैसे करके खुद को बचा रहा होता है गोकू के हर एक अटैक से। उसके बाद दोस्तों गोकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपनी सुपर सेंटू के फॉर्म में चला जाता है सीधे लड़ने के लिए। दोस्तों हम लोग पूरे इंटायर सीरीज में पहली बार गोकू को अपने सुपर सेंटू में देखते हैं क्योंकि उसे अभी तक अपनी किसी भी फॉर्म का इस्तेमाल करने का जरूरत पड़ा ही नहीं था। उसने फ्रीजर पर भी अपने सुपर सेंट का इस्तेमाल बस उसे दिखाने के लिए किया था कि उसके पास कितनी ज़्यादा ताकत है। उसने बस अपने यूनिवर्स को दिखाया था कि उसका जो नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर है वो अपनी सुपर सेंट के फॉर्म में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। पर दोस्तों सुपर सेंट टू गोकू भी मार्जिन बू को हरा नहीं पा रहा होता है और उसके बाद दोस्तों अपने सुपर सेंट थ्री में चला जाता है मार्जिन बू से लड़ने के लिए। यहाँ पर सुपर सेंट थ्री गोकू मार्जिन बू को थोड़ा बहुत टक्कर तो दे रहा होता है पर वो उसे अभी भी हरा नहीं पा रहा होता। उसके बाद दोस्तों गोकू ये तय करता है कि जब तक वो मार्जिन बू को पहले हरा नहीं देगा वो उसके अंदर से किसी भी जीव वॉरियर्स को नहीं निकालेगा। और वो ये भी तय करता है कि वो मार्जिन बू के इस अटैक से बच कर रहेगा ताकि वो उसे भी एब्जॉर्ब ना कर पाए, क्योंकि दोस्तों वो भी जानता है कि अगर उस मार्जिन बू ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया तो ये पूरे के पूरे यूनिवर्स का अंत हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों गोकू फाइनली सुपर सैयन गॉड में जाने का सोचता है क्योंकि वो जानता है कि सुपर सैयन फोर में भी जाके वो बू को हरा नहीं पाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसे राइवल ही कर पाएगा। और दोस्तों जैसे ही गोकू सुपर सैयन गॉड में जाता है तो मार्जिन बू को भी ये कहीं ना कहीं समझ में आ चुका होता है कि अब उसे गोकू से लड़ने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। और उसके बाद दोस्तों गोकू उसे ओवर पावर करने लगता है सिंपली। दोस्तों इस टाइम पे जो सुपर सैयन गॉड गोकू है उसकी पावर बहुत ही हद तक वीरस को राइवल कर सकती है उसके नॉर्मल फॉर्म में। जैसा कि दोस्तों वीरस अपने ओरिजिनल सीरीज में है, इस टाइम का सुपर सैयन गॉड गोकू वीरस को बहुत ही आसानी से राइवल कर सकता है। तो दोस्तों इस टाइम का जो सुपर सैयन गॉड गोकू है वो मार्जिन बू को बहुत ही आसानी से हराने लगता है। और उसके बाद जब गोकू को लगता है कि सुपर सैयन गॉड मार्जिन बू को बहुत आसान से हरा देगा तो उसके बाद वो स्पिरिट विजन का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर से सभी बच्चों के साथ साथ गोहान, रेडिट्स और ब्रोली, पिकलो और जितने भी उसके अंदर गए होते हैं उन सभी को निकाल लेता है। और उसके बाद जब एक और स्पिरिट विजन का इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर से इविल वू और मार्जिन बू निकल जाता है। जहाँ पे इविल वू होता है वो सीधे किड बू में ही दिखता है और किड बू जैसे ही गोकू पर अटैक करता है तो वो सीधे ही किड बू को हक्काई कर देता है जिसके वजह से वो स्टेशन से ही खत्म हो जाता है। तो इस पूरे इंटायर सीरीज में गोकू ने पहली बार अपने सुपर सैयन गॉड का पावर का इस्तेमाल किया था जिसे देख के वेजिटा बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वो बोलता है कि कैकारोट अब मुझे पता चल चुका है कि मैं तुम्हें कभी भी हरा नहीं सकता हूँ,
क्योंकि तुम्हारी सुपर सैन की गॉड पावर लेवल एक अलग ही प्लेस रखती है इस यूनिवर्स में पावर के लेवल में। दोस्तों ये तो बस फाइट की शुरुआत ही हुई थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड बीरस जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग इन 7 साल में ख़त्म हो चुकी होती है और वो धरती की तरफ आ रहे होते हैं वो से लड़ने के लिए। पर दोस्तों आज का हमारा व्हाट इफ का पार्ट 6 यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है तो मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही आप लोग के लिए और भी वीडियो लाता रहूं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मुझे